my god! Wow! सबका स्वागत है यहाँ पर। मैं इस वीडियो को टॉपिक के लेके यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर इस वीडियो का टॉपिक है मतलब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज सुबह मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का यहाँ पर प्रोबेबल 2023 का स्क्वाड यहाँ पर आप लोग बताने वाले 2023 में इनका जो प्रोबेबल स्क्वाड यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर प्रोबेबल जो है वो आप लोगों को परोसने की कोशिश करूंगा और परोसने की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट होने वाले भैया आरसीबी के फैंस के लिए और ऑल टीम के फैंस के लिए, क्योंकि भैया आपका कोई खिलाड़ी इस टीम में हो सकता है। वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट होने वाले, वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल नए सीखने के लिए दिस आईपीएल दिस फॉर्म सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल प्रेस कर लीजिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, आप लोगों को ज्यादा देर नहीं करके यहाँ पर परोस देते आप लोगों को आरसीबी का प्रोबेबल जो स्क्वाड होने वाला है 2023 में मुझे जो यहाँ पर लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे विकेट कीपर, बैटर्स, बोलर्स, ऑलराउंडर ऐसे करके बताऊंगा। तो भैया यहाँ पर पहले बैटिंग लाइन अप में आते हैं, मतलब पहले बैटिंग मतलब बैटर्स कौन कौन यहाँ पर रह सकते हैं प्रोबेबल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। फाफ डू प्लेसिस ये तो कप्तान रहेंगे, अगले साल भी यहाँ पर रहेंगे 2023 में। दूसरे नंबर पर उठ के आते हैं विराट कोहली, तीसरे नंबर पे रजत पाटीदार, चौथे नंबर पे सुरेश रायना है भैया, और पांचवें नंबर का आप लोग बताइए कि एबीडी विलियर्स बैक हो रहे हैं। तो भैया एबीडी विलियर्स यहाँ पर बैटिंग में दिखने को मिलेंगे, क्या ही बढ़िया यहाँ पर कमबैक करते हुए दिखेंगे हमें हमारे एबीडी विलियर्स मिस्टर 360 डिग्री। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो भाई छह नंबर पे अजिंक्य रहाणे है भैया, यही बैटिंग लाइनअप मुझे दिख रहा है। इसके बाद जैसे जल्दी आप लोग ऑलराउंडर के लाइनअप बोल देते हो, ऑलराउंडर 2023 में जो प्रोबेबल हो रह सकता है यहाँ पर पहले नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल, दूसरे नंबर पे सैम करन, तीसरे नंबर पे महिपाल लोमरा, चौथे नंबर पे शाहबाज अहमद और पांचवें नंबर पे वानिंदु हसरंगा। इस सीजन बहुत ही बढ़िया था कैप पर्पल कैप में, दो नंबर में यहाँ पर अपना पोजीशन कायम रखा, यहाँ पर युजवेंद्र चहल के ऊपर नहीं जा पाए तो वो यहाँ पर पर्पल कैप ले लिया। तो गाइस ये दो नंबर पोजीशन में थे, फिर भी बहुत ही बढ़िया ये ऑलराउंडर है। तो गाइस ऑलराउंडर के यहाँ पर लिस्ट परोस दे, इसके बाद जल्दी से जल्दी आते हैं भैया यहाँ पर विकेट कीपर आप लोग परोस दे। विकेट कीपर यहाँ पर दो ही रखा है, यहाँ पर दिनेश कार्तिक द फिनिशर कार्तिक बहुत ही बढ़िया इस साल फिनिश किया है इनके लिए आरसीबी के लिए 2023 में भी रहेंगे। और एक यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फिनिशर का नाम यहाँ पर फिन एलन है भैया। इसके बाद जल्दी से जल्दी आप लोग भैया पर रोज देते हैं यहाँ पर आरसीबी का बोलिंग लाइन अप, यही लास्ट होगा बोलिंग आप लोग बोल देते हैं। पूरा स्क्वाड यहाँ पर बोल दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर बोलिंग बाकी है, बोलिंग आप लोग बोल देते हैं। यहाँ पर जैसन वैनड्रॉप, दो नंबर पे मोहम्मद सिराज, तीन नंबर पे जॉस हेजलवुड, चौथे नंबर पे हर्षल पटेल, पांचवें नंबर पे आकाशदीप, छठे नंबर पे आवेश खान, सातवें नंबर पे सिद्धार्थ कौल। यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है, दिल्ली के आवेश खान कहीं ना कहीं यहाँ पर आरसीबी में आ सकते हैं, जैसन वैनड्रॉप यहाँ पर इन हो सकता है और भैया जितने बोलर यहाँ पर थे वही रहेंगे। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर आरसीबी का जो प्रोबेबल स्क्वाड हो सकता है यहाँ पर 2023 में वो आप लोगों को जरूर पर वीडियो जरूर इम्पोर्टेंट था जरूर यहाँ पर आरसीबी के फैंस के लिए और भी टीमों के फैंस के लिए, क्योंकि भैया उनके टीम के प्लेयर इस टीम में जरूर आए होंगे मुझे लगता है। वीडियो जरूर यही तक था, वीडियो आपको थोड़ा देर अच्छा लगा तो फटाक से लेकर चैनल को अवसर से नीचे से चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको सब कुछ मिलते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, देख लीजिए। जय नमस्कार, जय भारत।